हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं एक जॉब पर्पस की वीडियो को लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड-19 का जो पेंडेमिक है वो बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियली रेट से बढ़ रहा है, और इस केस में फ्रेंड्स अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ गया। तो ये अच्छी बात है कि जो हमारे लिए अभी वैकेंसीज आउट हो रही हैं, जो भी पास आउट्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है फ्रेंड्स जॉब अप्लाई करने का। और ऐसी महारत्न कंपनी में जैसे आपको NTPC हो गया, FCAT हो गया, और भी जूनियर इंजीनियर्स वगैरह की जॉब हो गई, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी सही है। टेक्निकल फील्ड से जो भी अभी निकले होंगे, जो पास आउट्स अभी हुए होंगे 2020 बैच में, तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, NTPC ने वैकेंसीज आउट की हैं इंजीनियर पोस्ट पे, जो आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे कि आज के इस वीडियो में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खोल रखी है, जो कि आपका NTPCcareers.net है। आप यहाँ पे जाके इसकी जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है वो आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, 16 जून आई है आपकी 2020, जिसमें कि आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जो इसका पेज आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, जहाँ पे आपका NTPC एक महारत्न कंपनी है। वो मेडिकल नॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और देखिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन लिखी हुई है, जो भी आपका जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, जो आपको स्कैन्ड कॉपीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करनी है, उन सबका प्रेफर्ड साइज़ है फिक्स्ड, वो आपको यहाँ पे करना है। तो फिर आप वहाँ पे उसको करके यस प्लीज़ लेट मी इन करेंगे, तो आपके आपके फर्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है ऑनलाइन, और आप फिर आगे इसमें बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, डिसिप्लिन जो है अवेलेबल, इसके जैसे हमारा FCAT जो हमने पिछला वीडियो हमारा दिया था, उसमें सारी ब्रांचेस के लिए था। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपका NTPC के लिए जो वैकेंसीज आई, उनमें सिर्फ आप 4 ब्रांच से अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल से हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर मैकेनिकल से। तो आइए थोड़ा इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि NTPC एक थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पूरी तरह से गवर्नमेंट बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर हम थोड़ा बात करें, तो यहाँ पे देखिए, फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी AMI भी हो सकता है, विथ नॉट लेस देन 65 मार्क्स एज पर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। तो बैचलर डिग्री हमको चाहिए BE, या फिर आपका BTEC होना चाहिए, या फिर AMI से आपका BTEC होना चाहिए। 65% से कम मार्क्स नहीं चलेंगे। तो ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल के लिए, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए है। एज लिमिट देखिए फ्रेंड्स, अपर एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स, 27 साल से ज़्यादा का कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी होंगे, उनका वो गेट में अपीयर्ड होने चाहिए 2020 वाले में। तो उनका अपीयर होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे गेट के 2020 के मार्क्स और रिक्वायरमेंट जो भी होगी, मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो आपका जो गेट 2020 का स्कोर होगा, उसी के बेस पे आपको फर्दर सेलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपके नेक्स्ट स्टेज होंगे आपके रिटर्न पेपर के बाद, वो GD और इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व होगा और आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, वो 85% वेटेज होगा उसमें गेट 2020 का, 5% वेटेज होगा आपका ग्रुप डिस्कशन का, और 10% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। तो हाउएवर, कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई सेपरेटली इन GD एंड इंटरव्यू, मतलब अलग अलग आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके GD में कम मार्क्स हैं और अगर इंटरव्यू में ज़्यादा है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको GD के लिए जो भी क्राइटेरिया दिया जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे, उससे आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। और जब आपका इंटरव्यू, उसमें भी आपको सेम प्रोसेस चलेगी वहाँ पर भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टेड वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 30 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल के लिए 45, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 25 है। जनरल के लिए देखिए, अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, OBC, SC, ST सारों के लिए।
सारों के लिए यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में है आप कर सकते हैं, जैसे कैंडिडेट्स ऑल्सो द ऑप्शन टू पे द फीस ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कि आजकल सब जगह ही हो गया है। नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपको चालान बनवाना पड़ेगा बैंक से, और फिर चालान आपको उसका फोटो वगैरह करके सेंड करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं इसके नोटिफिकेशन में जाकर, और अदर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर ntpccandidates.net में जाकर कि क्या क्या है और किस किस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह है। इसके बाद कंपेंसेशन पैकेज मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको जो बेसिक पे होगा वो 50,000 होगा। आपका एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें आपको 50,000 रुपये बेसिक पे मिलेगा, और उसके बाद जितने भी अलाउंसेज हैं वो सब एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन और आपके किस उस पर आप सेलेक्ट हो रहे हैं। द अदर बेनिफिट्स सच एज डियरनेस अलाउंस, प्रीरिक्विजिट एंड अलाउंसेस, टर्मिनल बेनिफिट्स एक्सेट्रा विल बी एडमिसिबल एज पर कंपनी रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता रहेगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल अंडरगो वन ईयर ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगहों पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एक साल जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें अलग अलग जगह है आपको ट्रेनिंग। द रीजन ऑफ पोस्टिंग विल बी अलॉटेड अपॉन जॉइनिंग एंड द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विद इन द अलॉटेड रीजन विल बी डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। कैंडिडेट्स कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री इन एनी ऑफ द फंक्शंस एट प्रोजेक्ट्स, स्टेशंस और ऑफिसेज इंक्लूडिंग सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ NTPC। तो आपका जो एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको डिफरेंट जगह फ्रेंड्स ट्रेनिंग तो दी जाएगी, लेकिन जो आपका फिक्स किया जाएगा आपको वो आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको NTPC ऑल इंडिया ओवर में जितने भी उसके प्लांट हैं वो कहीं पर भी आपको पोस्ट कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, किसी स्टेशन पर कर सकते हैं, तो ये उनकी चॉइस है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेल्थ के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, और फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई में आप हमें पढ़ सकते हैं कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन गेट 2020 लॉग ऑन करना पड़ेगा आपको gate.iitdelhi.ac.in पर। तो यहाँ पर जाके आप कैंडिडेट्स हुए अप्लाइड ऑनलाइन फॉर गेट 2020 यू रिसीव देयर गेट 2020 रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको वो चाहिए पड़ेगा ऑन रिसिप्ट ऑफ गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर NTPC ET, वहीं पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहीं से जाके, जिसमें कि आपका जो फीस है किसी के लिए भी, किसी भी कैंडिडेट के लिए जनरल EWS OBC के लिए उसका फ्रेंड्स 150 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो SST PWD और XSM कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो इस तरह से आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और जैसे कि इंजीनियरिंग वालों के लिए निकला है तो इंजीनियरिंग के जो इस साल के पास आउट हैं या फिर जो गेट अपीयर कर जिन्होंने गेट अपीयर किया 2020 का, जो पिछले साल के पास आउट है फिर उसके पहले के पास आउट है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका जो एज का क्राइटेरिया है वो मैच कर रहा है तो। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में भैया दीदी या फिर रिलेटिव्स में कोई भी हो जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपके नेबरहुड में या फिर कहीं भी हो तो आप उस तक प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी और हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।